भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि पिछले वीक में क्या रहा, मार्केट में क्या बताया था, आने वाले वीक में क्या हो सकता है, ठीक है। और लेवल्स की बात करेंगे। राशिफल मैं आपको कल डाल दूंगा, या तो फ्री वाला चैनल है एस्ट्रो स्टॉक अपडेट, उस पर आप लोग देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर बता देता हूँ मैं आपको, ये हमारा पर्सनल व्यू होता है, जो भी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो आपने जो चीज़ खरीदनी है या वो, इस चैनल का केवल आप सहारा ले सकते हो, ऐसा नहीं कि इसमें ये 100% चीज़ें सही होती हैं, ठीक है। और हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि ऐसी अथॉरिटी हो कोई हमारे पास, वो कुछ नहीं है, ठीक है भाई। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले वीक में क्या हुआ। देखो, जितनी आपकी अफवाह चल रही थी मार्केट गिर जाएगा, वैसे ऐसा हो जाएगा, मैंने आपको 2 दिन बताया था, जहां बताया पॉजिटिव है ये, उस दिन पूरे दिन पॉजिटिव रहा, फिर नेक्स्ट दिन भी बताया था। और जहां डाउन था, हमने ऐसा बोला था कि आपको 72 घंटे पहले बताएंगे, आपको बताया था, ठीक है। तो अभी भी अगर ओवरऑल मार्केट देखें, अभी कोई गिरावट के आसार नज़र नहीं आ रहा है मार्केट में, ठीक है। ये आने वाला वीक आपका बाय ऑन डिप्स हो सकता है। सोमवार मंगल थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं, बाकी मार्केट ठीक है, ख़राब नहीं है। मतलब जहां भी ऐसा तो नहीं है सीधा नीचे और ऊपर वाला मार्केट नहीं है, पर जहां आपको लगता है कि ये सपोर्ट आ रहा है, मैं आपको डेली बता देता हूँ, वहाँ आपने ध्यान देना है उन लेवल पे, ठीक है। तो डरने वाली नहीं। सबसे पहले जो ज़्यादा मैसेज आते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो ऐसा है, इतने लाख का है, इतने प्रॉफिट हो रहा है, इतना नीचे चला जाएगा, उसने ये बता रहा है टेलीग्राम पे, ये बता रहा है, यहाँ बहुत बड़ा करेक्शन है, कुछ नहीं है अभी, ठीक है। अभी कोई करेक्शन नहीं है। मैंने आपको पिछले वीक भी बताया था कि साइडवेज हो सकता है मार्केट, साइडवेज उसको बोलते हैं, जैसे फ्राइडे को देखा आपने, ऊपर गया नीचे आ गया, नीचे से फिर ऊपर चला गया मार्केट, तो ये तो अपॉर्चुनिटी है खरीदने की, ठीक है। या जिसको डर लगता है, दोनों साइड लेके बैठ जाओ, जिधर को मिलेंगे पैसा उधर देखी जाएगी, ठीक है। लेकिन सिंगल काम मत करना, अभी बिना हेज वाला मार्केट नहीं है। और ये भी नहीं कि आप ले, बहुत बड़ी गिरावट आ रही है और मार्केट चला जाएगा, उड़ जाएगा, क्यों, तो पूरे दिन मैसेज यही आते हैं मेरे पास, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी पीछे भी आपने देखा होगा कितना अफवाह चली थी, ओ मार्केट ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ ना, न्यूज़ चैनल पर ये चल जाएंगे, वो लार्ज कैप चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे जो भी चीज़ खरीद रहे हो स्टॉक वगैरह में, वो सेलेक्टेड खरीदनी है अभी, ठीक है। अभी सभी नहीं दौड़ेंगे, मतलब 5 में से 2 स्टॉक मानो के वो आपको अच्छा पैसा देंगे, तो वो 2 कौन से हैं 5 में से, वो आपने ढूंढना है। बल्कि 10 में से 2 तो वो आपने सेलेक्ट करना है वहाँ पे स्टॉक्स, और उसके साथ में आपने दौड़ लगा, ठीक है। तो ये मार्केट का पता लग गया, इस वीक का आपको लगभग पता लग गया कि ये थोड़ा सा मिक्स टू नेगेटिव बोल लो, मंडे ट्यूसडे रह सकता है मार्केट, और आगे मेरे को ठीक दिख रहा है, वो बाय ऑन डिप्स रह सकता है, ठीक है। इसमें भी बाय ऑन डिप्स ही है, पर थोड़ा सा कमजोर है मार्केट, गिरावट नहीं बोल सकती उसमें बड़ी, जिनके कोई बहुत बड़ी गिरावट हो रही है, या ऐसे वाला मार्केट अभी नहीं है, ठीक है। ये आपको लगेगा ऐसा जा रहा है नीचे, नहीं जाएगा ऐसे, ठीक। तो आप मेरे को मैसेज मत करो अभी कोई, मैंने आपको वीडियो में इसलिए आज बता दिया है, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको सर्विस बता देता हूँ, जो आदमी पहले जॉब वाला था, वो सारी सर्विस है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, BTST या जो भी पोजीशन में काम करते हैं। ईयरली वाला ग्रुप बहुत बढ़िया है, जिसको ज्वाइन करना है,
ठीक है, और कॉमोडिटी में गोल्ड सिल्वर इनमें जो काम करते हैं वो भी अच्छा है, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस। ठीक है, अभी इसके बाद बताता हूँ आपको रेंज क्या रहेगी। जो पिछले वीक में रेंज बताई थी आपने नोट किया, सेम वही रेंज है। ऊपर 21,850 टूटेगा तो फिर आपको 200 पॉइंट ऊपर के मिलेंगे, 200-250, मतलब कहीं ना कहीं 21,100 जाएंगे 850 के बाद। ये चीज़ ध्यान रखना, 21,850 ऊपर ब्रेक होता है या उसके ऊपर बंद होता है फिर आप 250 पॉइंट के करीब देखना, और नीचे की तरफ 650 टूटता है तो वही 21,500। तो नीचे की रेंज क्या है 21,500, ऊपर की 850 है प्रेजेंट इस वीक में जो देख पा रहे हो। बैंक निफ्टी 48,800 और नीचे की रेंज वही 47,000 के करीब करीब, ठीक है 47,400 मान लो, 400 टूटा तो फिर और 400-500 पॉइंट, तो ये रेंज नीचे की बनती है इसमें, तो ये आपको पता लग गई। अभी यहाँ पे ना कुछ दिन आप लोगों ने जो वन साइडेड काम करते हो वो मत करो, थोड़ा इंतजार कर लो इसका रेंज का, ठीक है। लेकिन शॉर्ट पोजीशन अभी मत बनाओ मार्केट में, कोई चीज आएगी कहीं मेरे को दिखेगा मैं खुद बोल दूंगा आपको, आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे और कई आदमी पुट में लॉस भी हुआ है, ठीक है, तो शॉर्ट पोजीशन बनाओगे वो लॉस हो जाएगा आपको, ठीक है। बिटकॉइन आपको बताई थी देखो कहाँ से कहाँ भाग के पहुँच गई, कितने हज़ार पे अक्टूबर में बताई थी, 3 महीना बढ़ा है। अमेरिका के मार्केट बताए थे जो उनका हाई है उसके नज़दीक पहुँच जाएंगे, जो जनवरी का हाई था, तो ऐसा ही किया है मार्केट ने सेव, अमेरिका के मार्केट देख लो है ना। अमेरिका के मार्केट आने वाले 5 साल खराब नहीं है, ये चीज़ ध्यान रख लेना आप लोग। अमेरिका का जो टाइम है जो ज्योतिष के हिसाब से 4-5 साल के लिए अच्छा टाइम है। कोई बोलता है रिसेशन आ जाएगा, अमेरिका डूब जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अगले 4-5 साल की बात कर रहा हूँ मैं, अमेरिका के लिए अच्छा टाइम है। ये जो अभी पीछे से जो शुरू हुआ है ना उनका टाइम, यहाँ से इस साल के हाफ से जहाँ से मार्केट इनके लो लगा के ऊपर गए, ये इनको अगले 4-5 साल में शायद लो काटने की ज़रूरत नहीं पड़े। और आप अब जितने न्यूज या जो भी देखोगे अमेरिका के कुछ उल्टा पुल्टा ही सुनते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसे छोटा मोटे करेक्शन आएंगे तो हम बताएंगे आपको, और कोशिश करेंगे आप लोगों को 15-20 दिन का भी बता दिया करेंगे फ्री वाले चैनल का भी, अगर ये हुआ तो। डर यही है मेरे को, मैंने बताना या बनाना इसलिए बंद कर दिए बड़े वाले वीडियो, कि आप लोग पोजीशन बनाना शुरू कर देते हो, उससे मेरे को डर लगता है। मानो हम 10 बार सही हुए 1 बार गलत हुए तो क्या होगा, इसलिए मैं बताना बंद कर दिया है। अभी ईयरली वाले ग्रुप में बताते हैं, जो लॉन्ग वाले हैं या बड़े पैसे से काम करने वाले हैं वो उधर काम करें, ठीक है। हमारा पिछली साल देखो हमने जो लिख के डाला है तकरीबन सही था, मतलब जितनी मैंने एस्ट्रो साइकिल दी उनको हमारी सभी सही निकली हैं, तकरीबन सही थी। लास्ट वाली साइकिल जो थी उसमें भी हमने नेगेटिव नहीं थे मार्केट के प्रति, ठीक है। मैं आपको खुद ही बता दिया था, तो ये चीज़ है। अभी थोड़ा ये जो गोल्ड सिल्वर है ये थोड़े से यहाँ पे साइड बेस टू नेगेटिव दिख रहे हैं इस वीक में मेरे को, ठीक है। मैंने कुछ लेबल बताए हुए हैं, मेरे को भी ध्यान नहीं उसके नीचे, और नेचुरल गैस में 233 का लेवल ध्यान रखना है, इसके ऊपर ही बाई करना है, इसके नीचे फिर शॉर्ट बन जाएगा। और वैसे जो रेजिस्टेंस है अभी जो हाई लगाया है पिछला ये, वो उसके ऊपर ही बाई बनेगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो तकरीबन ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा मार्केट में, तो वो डरने वाली बात नहीं है आपकी। एक आईपीओ आया था अभी फ्राइडे को, मेरे को लग रहा है 350% बढ़ गया, बताओ
हुई तो क्या पैसा कमाने की आप लोगों की, भाई जिसने 50,000 रुपये लगाए थे, 50,000 के 3.5-2.5 लाख, 350 या 450% बढ़ के खुला था, 400 के करीब, मतलब 50,000 से सीधे 2.5 लाख। तो टाइम तो कहीं ना कहीं बढ़िया ही चल रहा है, हैं? आप लोग पैसा भी दबा के लगा रहे हो, इसका मतलब देखने में ही, मतलब उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। शायद अभी तक कोई IPO ऐसा नहीं खुला है जो इतना बढ़िया खुला है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर किसी भी साइड से कोई भी नेगेटिव नहीं है। ग्रह अभी देखो इस वीक में क्या होने वाला है, ग्रहों की सुनो, अभी बुध पीछे से आगे चले जाएंगे सूर्य के साथ, सूर्य मंगल और बुध धनु राशि में पहुंच गए, आगे प्लूटो है और शनिदेव है अपनी राशि में, राहु नेपच्यून, आगे देखो मेष राशि में यूरेनस और गुरु। यहाँ पर कोई नेगेटिव ऐसा नहीं है इसमें, जो भी आपको योग बनाए ये सारे पॉजिटिव हैं। सूर्य मंगल की युक्ति पॉजिटिव, अभी सूर्य पहुंच जाएंगे प्लूटो के साथ पॉजिटिव, जब ये राशि चेंज करके आएंगे, प्लूटो सूर्य और मंगल के साथ तेजी करता है, ये चीज ध्यान रख लेना। और शनि और मंगल एक दूसरे से क्या पोजीशन है, मंगल से शनि थर्ड, ठीक है, और शनि से मंगल 11th, क्या है ये पॉजिटिव। मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन योग पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है कि बुध जो है मंगल और सूर्य के बीच में आ जाएंगे, तो सूर्य के साथ हैं ये, तो बुध आदित्य योग मना रहे हैं, पॉजिटिव है, लेकिन डिग्री वाइज देखो उसके बीच में जा रहे हैं, वो मार्केट को नहीं चलने देंगे उतना, बैंक निफ्टी को कोशिश तो होगी लेकिन अभी शायद ये वीक और लग जाए। तो कोई भी योग मिला के देखो कोई नेगेटिव है ही नहीं। अच्छा, यहाँ के बाद जब नवांश कुंडली के अंदर जाके हम लोग देखते हैं, वहां पे थोड़ा सा है, ठीक है, वहां थोड़े एक दो योग बनते हैं नेगेटिव। जैसे अभी ये मार्केट जब गिरा तो क्या हुआ था बताओ मेरे को, कोई नहीं बताने वाला। बुध जो है नवांश में नीच राशि में थे, बुध नवांश में नीच राशि में थे, इसलिए मार्केट में ये थोड़ा सा आया था जहां मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। और कई एक चीजें होती हैं पर मैं आपको सारी चीज ऐसे ये मोटा मोटा गिनने, लेकिन जो हम एक्चुअल जो देखते हैं या हम आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो सिखाते हैं वो क्या है, वो सर्वत्रो भद्र चक्र होता है, उसकी एक्यूरेसी करीब करीब 90% से ऊपर होती है, ठीक है। तो उसके योग डेली नहीं बनते पर महीना में 10 दिन बनते हैं, और उसके योग जो बनते हैं वेद आता है वो तकरीबन सही होता है, कभी गलत नहीं होता, ठीक है। मतलब उसके रोजाना योग नहीं बनते पर वो सही होते हैं। दूसरा क्या सिखाते हैं उसमें, जो मैंने एक दिन समझाया था कि ग्रह एक दूसरे से कहाँ बैठे हैं, उनकी कौन सी डिग्री बन रही है, वो डिग्री पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस सिंपल ये दो चीज आपने देखनी है। 5 मिनट में निकाल लो डेली का मार्केट के, भाई अगले दिन क्या है, फिर उसकी समरी बना दो, और उससे पहले देखो बैक में जाके टेस्ट करो पूरा एक साल का, डेली का चेक करते जाओ कि हाँ भाई ये चीज हो रही है नहीं हो रही, जब आता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो आप लोगों को कोर्स वाला जो ये है ना, जिनको इंटरेस्ट है जानते हैं, ऐसे ही जो बाकी आदमी अपना पैसा और टाइम बर्बाद मत करना,
सारी चीज़ें सभी के लिए नहीं होती, जिनकी हॉबी है, जिनको इंटरेस्ट है, उनके लिए तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अमृत के समान है, अमृत। ठीक है, अमृत को पीना चाहिए आप लोगों को, और जो नहीं जानते उनको नहीं पीना चाहिए। चलो बिना मतलब की बात कर रहे हैं, थैंक यू, जय हिंद। जो मतलब वाली बात है लास्ट में बता देता हूँ, क्या जो ये रेजिस्टेंस था हमारा गुरुवार का बैंक निफ्टी में ऊपर, ठीक है, वो इंटैक्ट है, वो काम करेगा। उसके जब तक ऊपर नहीं जाता 48,380 को नहीं तोड़ता, वहीं से रेजिस्टेंस शुरू है ऊपर तक 550 तक, तो आप लोग ऊपर की ट्रेड लेना ही नहीं है उसके बाद। ठीक है, मतलब जाए चला जाए, 800 भी जाए तो भी मत लो। ठीक है, उसके बाद देखो फिर 100-200 पॉइंट की ऐसे ट्रेड माननी है, लग रहा है कि हाँ यार सारी चीज़ बढ़िया है, विदेशी मार्केट भी ठीक है, ले सकते हैं, तो ट्रेड करो। नहीं, वहाँ पे वो लेवल आप ध्यान रखो, वो रेजिस्टेंस है, हो सकता है इस वीक में भी वो रेजिस्टेंस तंग करे, मंगल के बाद फिर हो सकता है अगर वो कटता है ऊपर तो फिर थोड़ा आपको तसल्ली आएगी। ठीक है, और निफ्टी में 850 के ऊपर फिर आपके पॉइंट बन जाएंगे, और बैंक निफ्टी 48,500 के ऊपर बंद तो होता है, फिर थोड़ा सा हरी झंडी आपको मिलेगी, फिर आप भी TST उसमें लेके जा सकते हो। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।